क्या पृथ्वी पर जागृत हो चुके हैं भगवान कल्कि के अलौकिक गुरुदेव। राधे राधे दोस्तों, और आज हम रहस्यमय भविष्यवाणियों के ग्रंथ भविष्य मालिका के आधार पर बात करेंगे श्री हरि के उन अवतार के बारे में जो आदि काल से पृथ्वी पर जीवित घूम रहे हैं, जिन्होंने रामायण देखी, महाभारत का युद्ध देखा और आज भी कलयुग का अंत देखने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं भगवान श्री हरि विष्णु के अवतार भगवान परशुराम के बारे में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या है भविष्य मालिका और कल्कि अवतार से परशुराम जी का रहस्यमय संबंध। दोस्तों, हमारे सारे प्राचीन शास्त्र बताते हैं कि जब कलयुग का अंत करने पृथ्वी पर कल्कि अवतार प्रकट होंगे तो वो खुद अपने ही अवतार भगवान परशुराम से शिक्षा लेंगे, यानी भगवान परशुराम होंगे कल्कि अवतार के गुरुदेव, जो उन्हें अस्त्र शस्त्र का सारा दिव्य ज्ञान देंगे, जिसकी सहायता से प्रभु कल्कि इस संसार के एक एक जीव में से कल्कि दानव का अंत करके सत्ययुग की स्थापना करेंगे। भगवान परशुराम श्री कल्कि के इंतजार में ही आज भी महेंद्रगिरि पर्वत पर वास करते हैं और इसलिए वो चिरंजीवी भी कहलाते हैं। कल्कि अवतार के साथ इस कल्प में सृष्टि में परशुराम जी का काम पूरा होगा और वो अपने लोक में वापस लौट जाएंगे और कल्कि अवतार के आगमन से ठीक पहले ही परशुराम जी जागृत होंगे। भविष्य मालिका ग्रंथ भगवान परशुराम के बारे में ये खुलासा करता है कि भगवान कल्कि अग्नि अस्त्र, वरुण अस्त्र, ब्रह्मास्त्र और कलयुग की आवश्यकता के अनुसार बहुत सारी गुप्त विद्याएं भगवान परशुराम से सीखेंगे। जब भगवान कल्कि की सारी शिक्षा पूरी होगी तो भगवान परशुराम से वो गुरु दक्षिणा मांगने को कहेंगे। तब परशुराम जी कलयुग के सबसे भयंकर और अधर्मी रूप को पहली बार भगवान कल्कि के सामने प्रकट करेंगे। उन्हें कलयुग का सबसे घोर प्रचंड रूप दिखाएंगे और ये कहेंगे कि इस घोर अधर्म के कारण महेंद्रगिरि पर्वत पर मेरी तपस्या में विघ्न पड़ता है, इसलिए मेरी दक्षिणा यही होगी कि आप पूरी पृथ्वी पर से घोर अधर्म और अधर्मियों का समूल नाश करना शुरू कर दो। भगवान परशुराम की यही आज्ञा कलि दानव के पृथ्वी से अंत की भयानक शुरुआत कर देगी। जो नाम जाप नहीं करते उन सबको कलयुग अपने पूरे वश में कर लेगा और सिर्फ कुछ ही लोग जो हरि के नाम को नहीं छोड़ेंगे उनकी रक्षा करने प्रभु कल्कि प्रकट होंगे। आपको बता दें कि महेंद्र पर्वत ओडिशा और आंध्र प्रदेश में ही स्थित है, यानी परशुराम जी शुरुआत से ही जानते थे कि भगवान जगन्नाथ ही माधव कल्कि बनकर ओडिशा में प्रकट होंगे। भविष्य मालिका पर अटूट श्रद्धा रखने वाले साधकों के अनुसार कल्कि भगवान को शिक्षा देने के लिए न सिर्फ भगवान परशुराम जी जागृत हो गए हैं बल्कि कल्कि प्रभु की गुप्त शिक्षा पूरी भी होने वाली है। आपका इस विषय पर क्या मानना है कमेंट्स में जरूर बताएं। ऐसे ही और रोचक अनसुने तथ्य जानने के लिए सब्सक्राइब करें।